आजमगढ़ खंड विकास कार्यालय सठियाओं के परिसर में बुधवार को दिन में 12 बजे 15वां वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग योजनाओं के अंतर्गत कराए गए 50 कार्य और 14 विकास कार्यों का शिलान्यास पूर्व मंत्री एवं विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह, विधान परिषद सदस्य विक्रांत सिंह ऋषि व ब्लॉक प्रमुख सरता अरविंद सिंह ने संयुक्त रूप से किया। सारी योजना 4 करोड़ के बजट में तैयार हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ विधि विधान एवं पूजा अर्चना के साथ हुआ। इससे पूर्व ढोल बाजा के साथ मुख्य अतिथि यशवंत सिंह, विशिष्ट अतिथि विक्रांत सिंह ऋषि, ब्लॉक प्रमुख सरता अरविंद सिंह का शानदार स्वागत हुआ। योजनाओं का लोकार्पण आज सठियां ब्लॉक के अंतर्गत होने वाले कामों का हुआ है और 4 करोड़ से अधिक लागत के कार्य जो क्या क्या कार्य होंगे उसमें जो ब्लॉक स्तरीय सड़क पुलिया यह सारी योजनाएं जो ब्लॉक से होती हैं वही योजनाएं हैं और उन्हीं योजनाओं का काम। समाजवादी पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास का ठप है, तो ये सठियां ब्लॉक के अंतर्गत जो योजनाएं चल रही हैं जिनका लोकार्पण आपको देखने को मिला है, इस बात को कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि आज़ादी के ज़माने में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस सपने से इस देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने सोचा था कि हम गांव की पगडंडियों को कितना ठीक रास्ते पर लाएंगे और गांव हमारा मजबूत होगा। आज सठियाओं की योजनाओं को देखने के बाद यह बात साबित हो जाती है, जो हमारे पुरखे और पूर्वजों ने सपना देखा था हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश खास तौर से उस राह पर बहुत आगे चला गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ को और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई दी जाती है। योजनाएं आती हैं, विकास का काम होता है और कोई सरकार हो सब करते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है वो 2.5 घंटे में आप लखनऊ पहुंचते हैं। देश को उन्होंने समय घटा दिया, कितना जल्दी आप लखनऊ दिल्ली कहीं भी आ जा सकते हैं। उसी तरीके से जिन रास्तों से हमारे गांव के लोग बच्चा पैदा होने की कठिनाई, बीमारी की कठिनाई झेलते थे, वह सारी समस्याओं का निदान आपको हमको लगता है अकेले एक इकाई सठिया ब्लॉक के काम को देखने के बाद समाजवादी पार्टी को यह बात दोहरानी बंद कर देनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जमाने में विकास नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी विकास करती है और उनके जमाने में लूट होती है, फर्क इतना ही है। समा तो कहती है सर।